हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी ईद सबको, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं उस आज सारी महिलाओं के लिए आज हमारे लिए नया साल है और आज ही हमारे लिए ईद दिवाली। क्यों? क्योंकि आज ही सुबह चार जो दरिंदे थे प्रियंका रेड्डी के, जो जिन्होंने बहुत ही खतरनाक काम किया था, उनको आज मार दिया गया है, एनकाउंटर कर दिया गया है। थैंक यू सो मच मोदी जी, थैंक यू सो मच कर्नाटका, तेलंगाना सीएम, थैंक यू सो मच तेलंगाना पुलिस, इन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और धन्यवाद कहना चाहती हूँ पिता परमेश्वर को, ईश्वर को, कि अब हर एक लड़की चाहे तेलंगाना में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, सर उठाकर आराम से आज़ादी से घूम सकती है, क्योंकि अब कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, ऐसे एनकाउंटर कर दिया जाएगा रेपिस्टों को। तो अब सारी लड़कियों, दिवाली और ईद मनाओ, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी ईद सबको, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं उस आज सारी महिलाओं के लिए आज हमारे लिए नया साल है और आज ही हमारे लिए ईद दिवाली। क्यों? क्योंकि आज ही सुबह चार जो दरिंदे थे प्रियंका रेड्डी के, जो जिन्होंने बहुत ही खतरनाक काम किया था, उनको आज मार दिया गया है, एनकाउंटर कर दिया गया है। थैंक यू सो मच मोदी जी, थैंक यू सो मच कर्नाटका, तेलंगाना सीएम, थैंक यू सो मच तेलंगाना पुलिस, इन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और धन्यवाद कहना चाहती हूँ पिता परमेश्वर को, ईश्वर को, कि अब हर एक लड़की चाहे तेलंगाना में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, सर उठाकर आराम से आज़ादी से घूम सकती है, क्योंकि अब कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, ऐसे एनकाउंटर कर दिया जाएगा रेपिस्टों को। तो अब सारी लड़कियों, दिवाली और ईद मनाओ, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी ईद सबको, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं उस आज सारी महिलाओं के लिए आज हमारे लिए नया साल है और आज ही हमारे लिए ईद दिवाली। क्यों? क्योंकि आज ही सुबह चार जो दरिंदे थे प्रियंका रेड्डी के, जो जिन्होंने बहुत ही खतरनाक काम किया था, उनको आज मार दिया गया है, एनकाउंटर कर दिया गया है। थैंक यू सो मच मोदी जी, थैंक यू सो मच कर्नाटका, तेलंगाना सीएम, थैंक यू सो मच तेलंगाना पुलिस, इन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और धन्यवाद कहना चाहती हूँ पिता परमेश्वर को, ईश्वर को, कि अब हर एक लड़की चाहे तेलंगाना में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, सर उठाकर आराम से आज़ादी से घूम सकती है, क्योंकि अब कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, ऐसे एनकाउंटर कर दिया जाएगा रेपिस्टों को। तो अब सारी लड़कियों, दिवाली और ईद मनाओ।